हेलो नमस्ते, की हाल चाल सच है काल चले करते हुए वीडियो के बारे में सीधी बात बिना किसी अपवाद। टोयोटा अपने टाइजर का 3 अप्रैल को डेब्यू करेंगे, जो कि कुछ नहीं मारुति सुजुकी जो फ्रॉन्क्स है उसी का ही रीबैज्ड वर्जन है। टोयोटा इसका पूरा नाम अर्बन क्रूजर टेजर रखने वाली है। टेजर में न्यू ग्रिल होगी, रिवाइज हेडलैम्प और टेल लैम्प्स होंगे। इसमें फ्रॉन्क्स की तरह इंटीरियर होगा और उसके अलावा इसमें 9 इंच का फ्लोटिंग टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करेगा। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगी, हेड अप डिस्प्ले होगा, 360 डिग्री कैमरा होगा, क्रूज कंट्रोल होगा, कनेक्टेड कार फीचर्स होंगे, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट होगी, सेफ्टी के नाम पर इसमें 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम होगा, हिल होल्ड असिस्ट भी होगा। इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा, जो कि 88.5 bhp प्रोड्यूस करेगा और 113 Nm की टॉर्क। और इस इंजन के साथ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 स्पीड का AMT और 6 स्पीड ऑटो टॉर्क कन्वर्टर मिल जाएगा। और इसके साथ ही इसमें 1 लीटर का बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन भी मिल जाएगा। वैसे टोयोटा ने सुजुकी काफ़ी सारी गाड़ियों को रीबैच कर दिया है, और सुजुकी ने सिर्फ टोयोटा की इनोवा को ही रीबैच किया है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि सुजुकी को टोयोटा से उनकी फॉर्च्यूनर और उसके बाद लैंड क्रूजर को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। टोयोटा जो है वो छोटी गाड़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, इसलिए सिर्फ मारुति का एक सहारा ले रहे हैं छोटी गाड़ियों को अपनी सक्सेसफुल करने का, ताकि लोगों को लगे कि हाँ टोयोटा की छोटी गाड़ियाँ भी जो हैं वो अच्छी होती हैं। सिर्फ ये इसीलिए टोयोटा फ़ायदा ले रहा है मारुति का। अब मारुति को भी टोयोटा से अपना फ़ायदा लेना चाहिए कि मारुति की बड़ी गाड़ियाँ भी अच्छी हैं। मारुति को भी समझ आ जाएगा कि बड़ी गाड़ियों को किस तरह इंडिया में लॉन्च किया जाए। एक जो इन्होंने टोयोटा की इनोवा हाईक्रॉस को रीबैच करा है वो तो अच्छी बात है, अब इन्होंने अपनी फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर को भी करना चाहिए, ताकि इतनी बड़ी गाड़ी जब मारुति हैंडल करेगी तो मारुति को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अपनी खुद की वो बड़ी गाड़ियाँ कैसे बनाएं, कैसे लॉन्च करें। ठीक है, तो ये सब कुछ सब एक वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।